इसराइल की दूसरे रोज भी जबालिया पनाहगुजीन कैंप पर मिसाइल्स की बारिश, तमाम इमारतें मलबे का ढेर, मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, शहदा की तादाद 9000 से बढ़ गई, लाशों के लिए हॉस्पिटल में जगह न रही। इसराइली फौज के मुताबिक हमला कमांडर इब्राहिम बियारी को निशाना बनाने के लिए किया गया। खान यूनस, दफा जला, नौसिरात कैंप और दीगर इलाकों पर बमबारी, अफसान कस्बा, करामा और अल जैतून पर भी इसराइली फौज के हमले, मैतल हनून क्रॉसिंग पर झड़पें हुई, मजीद 9 सहोनी फौजी जहन्नुम वासिल कर दिया गया। फौजी हलाकतों की तादाद 320 हो गई। हमास का कहना है जबालिया कैंप के शहदा का लहू याद रखा जाएगा, इस जंग में इसराइल घुटने टेकेगा और ये नेतन्याहू के खात्मे का बायस बनेगी। उधर गजा में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। कतर की सालसी में बड़ा ब्रेक थ्रू, इसराइल हमास और मिस्र में रफा क्रॉसिंग खोलने का मुआहिदा हो गया। गजा को मिस्र से मिलाने वाली रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। गजा में फंसे गैर मुल्कियों का इनखला शुरू। गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वाले 320 अफराद को गजा से मिस्र जाने की इजाज़त दे दी गई। शदीद जख्मियों को भी गजा से इनखला की इजाज़त होगी। उधर इमदादी सामान से लदे मजीद 60 ट्रक गजा पहुँच गए। सहोनी सफाकियत के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी। मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बोलिविया ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। उर्दन, कोलंबिया और चिली ने इसराइल से सफीर वापस बुला लिए। इसराइली परवाजों के लिए ओमान की फजाई हदूद बंद। इसराइली जारहियत रोकने में नाकामी पर यूएन इंसानी हकूक कमीशन ऑफिस के सरबराह क्रेगमो बतौर एहतजाज मुस्ताफी हो गए। खत में लिखा कि गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्ल कुशी है। अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का मुस्लिम रियासतों से इसराइल को तेल और खुराक की बरामदात बंद करने का मुतालबा। सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनाई का कहना है कि गजा में जारी इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नया इंक्वायरी कमीशन कायम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कमेटी गैर कानूनी और आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ऐसी कमेटी कबूल नहीं, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं है। कमेटी के टीओआर सबसे बड़ी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। जिस तरह हुकूमत चलाना चाह रही है ऐसा नहीं होगा। मजीद कहा, फैजाबाद धरने का मास्टर माइंड कौन था? क्या कैनेडा से कोई भी आकर धरने दे और कोई पूछेगा भी नहीं? क्या पाकिस्तानी इस तरह कनाडा जाकर धरने दे सकते हैं? एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया। क्या हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से राबता किया? उस शख्स के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया। एक शख्स को इंपोर्ट करने का मकसद क्या उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ करना था? क्या ऐसे शख्स को इम्पोर्ट करके दोबारा खिदमत ली जाएंगी? धरना केस में पीटीआई, एमक्यूएम, वजारत दिफा और आईबी की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। धरना केस की समाप्त के दौरान टीवी चैनल्स की बंदिश का तस्करा, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अभी टीवी चैनल्स को बंद किया जाता है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम ने कहा, नहीं अब ऐसा नहीं होता। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने कहा कि नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला, नजम सेठी का प्रोग्राम बंद न करने पर मुझे ओहदे से हटाया गया। चीफ जस्टिस ने एजाजुल हक के वकील से कहा कि जियाउल हक को सदर नहीं मानता, आइंदा इस अदालत में जियाउल हक को सदर मत कहें। इलेक्शन कमीशन के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि रातों रात सियासी जमातें कैसे रजिस्टर्ड हो जाती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ऊपर से हुक्म आता है और कुछ कहते हैं कि पहिए लग जाते हैं। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी कानून के खिलाफ ही काम करती रही है। क्या आपने टीएलपी रजिस्टर कराने वाले शख्स को बुलाया? वकील, इलेक्शन कमीशन ने कहा टीएलपी को बुलाया था, रजिस्टर कराने वाले को नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म होते ही मुल्क गिर ऑपरेशन। कोयटा, पिशावर, इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयां, गिरफ्तार किए गए गैर मुल्की कैंप्स और अफगान बॉर्डर्स पर कायम सेंटर्स में मुंतकिल कर दिए गए। कराची में 30 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदों को तोरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, मियांवाली, खुशाब में भी ऑपरेशन किया गया। पिशावर से 1300 अफराद अंगूर अड्डा के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। चमन में दर्जनों गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत, कैंप मुंतकिल कर दिया। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी बाशिंदों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। फॉरन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्म।
पनाह देने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए गैर कानूनी अफराद की निशानदेही कर ली गई। गैर कानूनी मुकीम अफराद के मजीद क्याम की दरख्वास्तें मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीका और बरतानिया समेत कुछ मुल्कों ने गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ कार्रवाई ना करने का कहा है। हमने बता दिया कि ऐसे अफराद को अपने मुल्क का वीजा दें और अपने मुल्क ले जाएं। पाकिस्तान पहले ही हजारों कानूनी अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी कर रहा है और करता रहेगा। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबोताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चमन और स्पेन बोल्डेक में पुरतशद्दुद एहतजाज से इंतशार फैलाने का मंसूबा। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंप्स में शरंगेजी का प्लान बनाया गया। मजमू मनासिर को सिक्योरिटी अहलकारों की अफगानों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर और वीडियो बनाने का टास्क दिया गया। तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क में एंट्री के वक्त फायरिंग कराई जाएगी। घिनौने मंसूबे का मकसद इनखला का अमल सबोताज करके पाक अफगान कशीदगी बढ़ाना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलियोफ, वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहमी ताबुन को नई सतह तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी स्टाफ की बाकू में यादगार शहदा पर हाजिरी। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताबुन को बढ़ाना है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात फरोग पा रहे हैं। आर्मी चीफ का दौरा ताबुन को मजीद मुस्तहकम करने में मुआवन साबित होगा। कश्मीर के मसले पर आज़रबाईजान पाकिस्तान की हिमायत करता है। पाकिस्तान और IMF के इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। आलमी इदारे का जायजा मिशन भी आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। जायजा मिशन की क्यादत नॉर्थन पोर्टर करेंगे। 10 दिनों तक टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात, 5 दिनों में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना के ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना, FBR, वजारत एनर्जी, वजारत पेट्रोलियम ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ कामयाब इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर 71 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिले। कारकुन कमर कसलें, भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क पहुंचाया, अब भी मुल्क पहुंचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनान से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफे अव्वल के सिपाही हैं। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबात के हवाले से मुशावर। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। इलेक्शन अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। नवाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। मुल्क से महंगाई के अंधेरे ख़त्म करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक रुकन असम्बली एहसानुल हक बाजवा और बरतानवी वकील अंसर महमूद से गुफ्तगू। बोले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा और हमारा फ़ख्र हैं। मुआशी बहाली, मुल्की तरक्की के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत के जवाब के मुताबिक शहरियों के फोन टैपिंग या सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म ऑफिस बताया फोन टैपिंग की इजाज़त दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए, ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड की हों। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो मुशावरत के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात कराने का केस। PTI ने तरमीम शुदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के बावजूद पंजाब में इंतखाबात का इनाकाद नहीं किया गया। KP में भी अभी तक गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। आम इंतखाबात 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब और KP में होने चाहिए। अदालती उज़्मा इलेक्शन कमीशन को दिए गए टाइम फ्रेम में
इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे। फलस्तीनियों से इजहारी जगजहती के लिए करारदाद सेनेट में मंजूर, मुतफिका करारदाद सेनेटर इसहाक डार ने पेश की। सेनेट इसराइली जारहत की मजम्मत करता है। फलस्तीनी अवाम से इजहारी जगजहती जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। फलस्तीन की रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत यरूशलम हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इसराइली जारहत की मजम्मत, ट्वीट किया कि जबालिया कैंप पर बम्बारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। ऐसी कार्रवाइयों को कभी मुआफ़ या फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि फलस्तीन में जैसे बच्चों को शहीद किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जबालिया कैंप पर हमला जंगी जराइम के सिलसिले का वहशियाना इकदाम है। पाकिस्तान गैर मशरूत जंग बंदी पर जोर देता है। पंजाब में स्मोग इमरजेंसी नाफिज। एक माह के लिए सरकारी और निजी स्कूल्स में तलबा और तालिबात के लिए मास्क लाजमी करार। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं अवाम भी मास्क का इस्तेमाल करें। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रीज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। महकमा सेहत की स्कूल्स में 7 दिन तक छुट्टियों की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर लाहौर को शहर भर में स्मोक इमरजेंसी डिक्लेयर करने का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि आप इस शहर के मालिक हैं, क्या हालत कर दी इस शहर की। आपको शहर की सूरत हाल देख कर शर्मिंदगी होनी चाहिए। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को ताहुक्म आसानी सील करें। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ बंद करें। अदालत का अंडर पासिस की मरम्मत का काम रात 12 बजे के बाद शुरू करने का हुक्म। वर्ल्ड कप के टाकरे जारी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। 358 रन का हदफ न्यूजीलैंड के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 36वें ओवर में 167 रन पर ढेर। केशव महाराज ने 4, जॉनसन ने 3, कोटजी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के क्वेंटन डिकॉक की वर्ल्ड कप में 4थी सेंचुरी, 114 रन बनाए। वेंडर डोसन ने भी 133 रन की शानदार इनिंग्स खेली। डेविड मिलर का इनिंग्स के आखिर में लाठी चार्ज, सिर्फ 30 गेंदों पर 53 रन बनाए। हेनरिक क्लॉसन ने 7 गेंदों पर 15 रन बनाए। मार्करम ने इनिंग्स की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया। वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला हो। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन शाहीनों की कोलकाता से बेंगलुरु लैंडिंग। आज रेस्ट डे, 3 नवम्बर को प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 4 नवम्बर को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ टाकरा 11 नवम्बर को होगा। बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी। पाकिस्तान को अगले दोनों मैच बड़े मार्जिन से जीतना होंगे। दीगर मैचेस के नतीज पर भी इन्हिसार। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस हार जाएं तो ग्रीन शर्ट्स की टॉप 4 में निश्चित कंफर्म है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1-1 और अफगानिस्तान 2 मैच जीता तो पॉइंट्स बराबर होंगे। सेमीफाइनलिस्ट का फैसला फिर रन रेट की बुनियाद पर।